फ्रेंड, माई सेल्फ दीपक स्वयं एंड वेलकम टू माई चैनल वेलन टू। और आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आलू पालक का सब्जी। तो चलिए डरी ना करते हुए आलू पालक का सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरे भी इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको नए अपडेट मिलता रहे। आलू पालक का सब्जी बनाने के लिए मैं पालक ले लिया हूँ, इसमें से करीब करीब 1 kg पालक ले लिया हूँ। और मैंने इसमें से आधा के जी मैंने आलू ले लिया हूँ, और प्याज ले लिया हूँ, हरा मिर्चा ले लिया हूँ, हल्दी पाउडर ले लिया हूँ, नमक ले लिया हूँ, जीरा ले लिया हूँ, ऑयल ले लिया हूँ। और मैं इसको अच्छे से अभी धो के इसको 2-3 बार धो के ले लिया था। अभी चॉपिंग कर लेता हूँ, जो स्पिनेस था, जो पालक था उसको मैं चॉपिंग कर लेता हूँ, इसको चॉपिंग कर लेता हूँ, इसको भी चॉपिंग करके अभी मैं कढ़ाई बैठा हूँ उसमें डाल का। मैंने सारा पालक को काट लिया है, बारीक से पूरा चॉपिंग कर लिया है। आलू का मैंने सारा छिलका निकाल दिया है, आलू को काट लेता हूँ। अभी मेरा ऑयल गर्म हो गया है, उसमें मैं 1/2 teaspoon जीरा ऐड कर देता हूँ। अभी जीरा भी मेरा गर्म हो गया है। अभी मैं जो चॉपिंग करता हुआ जो प्याज रखता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी पक कर रेडी हो जाए मेरा प्याज। अभी मेरा प्याज को पकाते हुए 2 मिनट हो गया है। अभी इसमें भी मैंने जो इसमें जो पका हुआ जो आलू लिया था उसको भी थोड़ी देर के लिए चला देता हूँ। फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए जो पालक ले लिया था मैं उसको आलू के साथ ऐड करके उसको अच्छे से चला लेता हूँ। ढक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मेरा आलू को भी पकाते हुए 5 से 10 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें 1/2 spoon करीब करीब हल्दी पाउडर डाल देता हूँ। हल्दी पाउडर डाल दिया मैं इसमें, उसको भी अच्छे से चला लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छे से पका लेता हूँ हल्दी पाउडर को। इसको फिर से मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेता हूँ।